सिलेक्शन ना होने का ना सबसे बड़ा जो कारण होता है वो एक डेली स्टडी रूटीन ना होना, एक डिसिप्लिन में ना रहना। तो कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था, अब देख सकते हैं कि कितने लोगों का डेली स्टडी रूटीन है एंड वो डेली बेसिस पे वो फॉलो करते हैं। तो अब देख सकते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट का डेली रूटीन नहीं है और है भी तो वो डेली बेसिस पे फॉलो नहीं कर पाते। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना, मेरा भी सेम था, कोई डेली स्टडी रूटीन नहीं था। जो पढ़ता था 3-4 दिन बाद भूल जाता था कौन सा बुक पढ़ाऊँ, कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ। तो एक ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता, कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रहा था। और अगर आपका भी कोई डेली स्टडी रूटीन नहीं है एंड प्रिपरेशन पैटर्न नहीं है तो आप भी सेम ही कंडीशन पे हो। एंड बहुत का ना डेली स्टडी रूटीन होता है लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते, क्यों जानते हो? वो स्टडी रूटीन ना प्रैक्टिकल नहीं होता, आपके थिंकिंग के हिसाब से, आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से। और भाई लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ना सैक्रिफाइस बहुत जरूरी होता है भाई। 1-1.5 साल, सिर्फ 1-1.5 साल अपने दोस्तों के साथ अड्डा मारना, चिल करने निकलना, ऑकेजन सेलिब्रेट करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, वो हर एक चीज़ जो आपको सक्सेस के बीच में आए उसको सैक्रिफाइस करके देखो ना। अब वो कोई नहीं रोक सकता, मैं लिख के देता हूँ, एक एग्जाम नहीं 4-5 एग्जाम क्रैक कर दोगे, ये मेरा गारंटी है। और सक्सेस का बेस है एक डेली रूटीन। तो अपने साथ एक पेपर और एक पेन ले लीजिए, हम दोनों मिलकर एक बेस्ट डेली स्टडी रूटीन बनाएंगे। तो एक सक्सेसफुल डेली रूटीन बनाने के लिए ना हमें टोटल 5 स्टेप फॉलो करना है। तो हमारा पहला स्टेप, आप एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट बनने के लिए ना दिन में कितना घंटा आप स्टडी को दे पाओगे, और ये ना 365 डेज कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये नहीं कुछ दिन पढ़ा, मोटिवेशन रहा, उसके बाद खत्म। और ये घंटे प्रैक्टिकल होना चाहिए, तभी आप फॉलो कर पाओगे। देखिए अभी के टाइम में जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या सिर्फ प्रिपरेशन ले रहे हैं ना, वो लोग आसानी से 8-9 घंटा दे पाएंगे अपनी स्टडी को, पर जो जॉब करते हैं वो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो वो पेपर में लिख लो डेली स्टडी आवर्स इक्वल्स टू आप जितना स्टडी आवर दे पाओगे उतना। तो हमारा सेकेंड स्टेप, हमको याद रखना है पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है फुल। तो जितना सब्जेक्ट है ना उसको वो पेज में लिखो लाइक दिस। और जो लोग टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हैं ना, वो पहले रूटीन बना के नॉन टेक को खत्म करें, देन टेक्निकल का सिलेबस खत्म करें। अच्छा अब आप गूगल करके ना हर एक सब्जेक्ट का PDF निकालो एंड उसको प्रिंट आउट कर लो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आज ना कर पाए तो कल कर लेना। अच्छा अब हमारा थर्ड स्टेप, हफ्ते में 1 दिन रेस्ट रखना है, उस दिन कुछ रूटीन फॉलो नहीं होगा। जैसे कि मेरा संडे था, मैं उस दिन 2 घंटा सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ता था, बाकी टाइम फुल रेस्ट रहता था। अब हमारा फोर्थ स्टेप, हमें 1 दिन रिविजन डे रखना है। नेक्स्ट हमें 1 दिन में 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अच्छा अब आपका जितना स्टडी और है ना उसको 3 से डिवाइड करो एंड वो पेपर में लिख दो एंड ऐसा एक रूटीन का पैटर्न बना लो। तो अब आता है हमारा फिफ्थ स्टेप जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो दिन का हमारा पहला सब्जेक्ट होगा ना हार्ड एंड लास्ट होगा कंपेरेटिवली ईजी। कौन सा हार्ड होगा कौन सा कंपेरेटिवली ईजी होगा ना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी के लिए मैथ हार्ड हो सकता है, किसी के लिए हिस्ट्री हार्ड हो सकता है। तो हमें हफ्ते में ना टोटल 15 क्लास मिलेगा और इसमें हमें हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आपके पास सब्जेक्ट का लिस्ट है, वो लिस्ट निकालिए। देखिए अभी का जो एग्जाम पैटर्न है ना उसके हिसाब से हिस्ट्री, मिसलेनियस और इकोनॉमिक्स उतना वेटेज नहीं है उसका। तो वो अगर दिन में आप 1 दिन दोगे ना तो भी ठीक है। और रीजनिंग ना सबसे ईजी होता है, उसको भी अगर हफ्ते में 1 दिन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत है, बस एग्जाम के पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है उसको। अच्छा तो अब मैथ एंड जियोग्राफी में ना 2 क्लास तो देना ही है। और SSC एंड RRB के एग्जाम में ना पॉलिटी का उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए अब 1 दिन दोगे ना तो भी बहुत है। नेक्स्ट जनरल साइंस, जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी का स्ट्रांग होता है जनरल साइंस, किसी का वीक होता है। जैसे मेरा जनरल साइंस में बायोलॉजी वीक था तो मैं बायोलॉजी 2 क्लास लेता था एंड फिजिक्स केमिस्ट्री 1 क्लास। तो आप भी वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सजा लो कि फिजिक्स में कितना देना है, केमिस्ट्री में कितना देना है एंड बायोलॉजी में कितना देना है। अच्छा तो अब आता है इंग्लिश का बात। देखिए इंग्लिश रेलवे के एग्जाम में नहीं रहता, SSC JEE में नहीं रहता। तो वो लोग जो लोग सिर्फ इस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना वो लोग इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी सबको इंग्लिश में 2 क्लास तो देना ही है। अच्छा अब वो पेपर में जहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखे हो ना उसके पास लिख लो कौन से सब्जेक्ट में कितना क्लास देना है। ऐसा एक पैटर्न बनाओ एंड सब्जेक्ट पुट करो, पर याद रखना पहला क्लास होगा हार्ड एंड लास्ट क्लास होगा कंपेरेटिवली ईजी, क्योंकि फर्स्ट में हमारा एनर्जी ज़्यादा रहता है एंड मोटिवेशन भी ज़्यादा रहता है, तो वो सब्जेक्ट पढ़ने में हेल्प होगा। तो ऐसे एक हमारा ज़बरदस्त रूटीन तैयार। तो वेट किस बात का, चालू हो जाओ और वो सिलेबस का जेरोक्स में ना जो जो पढ़ रहे उसको मार्क करो। भाई याद रखना 1-1.5 साल, सिर्फ 1-1.5 साल।